अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ एसएन जी आज आपके लिए देगी कोरमे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ऑथेंटिक और मेरी फैमिली रेसिपी है, जो मेरे फैमिली में देग में जब खाने पका करते थे घरों में तब की है। आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। दानेदार कोरमा बन रहा है, उसके इंग्रेडिएंट्स में आपको बता दूँ, हमने गोश्त लिया है 1/2 kg, घी 250 ग्राम लेंगे, प्याज 2 मीडियम साइज़ की हैं जिसे मैंने लाल कर लिया है, और इसे लाल करते हुए मैंने इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो नमक डाला था, तो अब नमक 2 टीस्पून डालेंगे, 4 टेबल स्पून धनिया जाएगा, 1 टीस्पून लाल मिर्च आएगी, नॉर्मल लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च 2.5 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 2.5 टीस्पून, अदरक है ये 4 टेबल स्पून है और इसे मैंने चॉप किया हुआ है, जायफल जावित्री है ये आधे से भी कम छोटे साइज़ का जायफल था जिसे मैंने आधे से कम लिया है, इसके अलावा ये जावित्री के समझे दो उसके फूल जो कहलाते हैं वो हैं, लहसुन है इसे भी मैंने चॉप किया, ये 1.5 गांठ या 1.5 पोती जो कहलाती है वो है, और इसे मैंने छिलकों समेत चॉप किया है चॉपर में, और मैंने अभी छिलके नहीं निकाले, जब मैं इसे इसमें डालूंगी तब मैं इसमें से छिलके अलग करूंगी। 250 ग्राम दही है, बादाम 25 बादाम हैं, अगर आप काजू डालना चाहें तो फिर आप आधे आधे कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बादामों के साथ बनाऊँगी। 4 लौंगें, 1 स्टिक दालचीनी की, 25 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 6 छोटी इलायची और केवड़ा एसेंस, चंद कतरे केवड़ा एसेंस जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको जो काम करेंगे वो ये कि इसमें जो हमारा गोश्त है इसमें ये लहसुन डाल देंगे, इसे लगा के लहसुन को थोड़ी देर रखेंगे, और इसमें से ये देखिए ये छिलकों का जो पार्ट है ये इस तरह आसानी से बाहर आ जाएगा। ये जो देग की कोरमे होते हैं उनमें लहसुन इसी तरह डलता है, ये देखिए मैंने इस तरह ये लहसुन के छिलके अलग कर दिए। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं लहसुन के साथ और फिर इसे इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, ये देखिए कुकर में पहले से घी है, प्याज फ्राई की थी, अब हम इसमें ये जो साबुत मसाले हैं ये इसमें शामिल कर रहे हैं। घी ऑलरेडी गरम है और पक्का हुआ है, और अब मैं इसमें ये गोश्त जो लहसुन के साथ है ये शामिल कर रहा हूं, और अब मैं इसको तेज़ आंच पे लहसुन के साथ इसका कलर चेंज करूंगी। पहले ज़माने में ये लहसुन को इसी तरह कूट कर और इसमें शामिल किया जाता था, बिरयानी जो क्लासिक बिरयानी है उसमें भी इसी तरह लहसुन शामिल किया जाता है, और इसमें भी कोरमे में जो क्लासिक कोरमा है तो देगी कोरमा उसमें देखिए ना जी उसका कलर चेंज हो चुका है और ये पक रहा है। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं, देगी लाल मिर्च नमक 1 टीस्पून, इसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून जा रहा है, 4 और गरम मसाला भी जाएगा, ये पिसा हुआ घर का मेरा होममेड गरम मसाला है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, और हम अब इसमें अदरक भी शामिल कर रहे हैं। ये चीज़ें मैंने इस तरह कूटी हैं, इसी से इसका ये जो दानेदार सा टेक्सचर आएगा तो इन्हीं चीज़ों से आएगा। अब हम इस दही के साथ इसे भूनेंगे। देखिए नाज़रीन, दही हमारा रिड्यूस हो गया, और अब हम इसी मसाले में इसको थोड़ा सा भूनेंगे अच्छी तरह, ये अच्छी तरह भुनना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि इसके बाद इसकी भुनाई नहीं होगी। अब हम इसके बाद हम इसे गोश्त को गलने के लिए रखेंगे और फिर जब गल जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज जो हमने पीस के रखी थी सॉरी तल के रखी थी वो और बादाम जायफल जावित्री केवड़ा एसेंस ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसलिए अभी जो इतना भूनना है हम इसे भूनेंगे अच्छी तरह इसका ऑयल बाहर आ जाना चाहिए तो फिर हम इसमें पानी डाल के इसे गलाएंगे। मैं कुकर में पका रही हूँ मुझे जल्दी है, आप कुकर में ना पकाना चाहें कोई मसला नहीं है, आप इसे पतीली में बना सकते हैं पैन में बना सकते हैं किसी चीज़ में भी। इसको बस कुकर का आपको पता है कि जब आप बंद करते हैं तो उस वक्त खोलना चाहिए जब बिल्कुल ठंडा हो जाए, बस ये एक चीज़ जो कुकर की है और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे आप परेशान हैं, कोई डिफरेंस नहीं है अगर आप पतीली में बना रहे हैं। देख सकते हैं कि खूब अच्छा सा भून रहा है और मैं मज़ीद 5 मिनट में इसे भूनूँगी और फिर उसके बाद क्योंकि 5 मिनट के अंदर अंदर ये मज़ीद इसकी ऑयल भी बाहर आ चुका है। घी आप देख सकते हैं घी में पका रहे हैं, आप अगर चाहें तो इसे ऑयल में भी पका सकते हैं, कोई हेल्थ इशू है, लेकिन ऑथेंटिक रेसिपीज तमाम घी में पकती हैं, बिरयानी है, पुलाव है, कोरमा है, ये सब घी में पकते हैं तो इनका फ्लेवर और डबल हो जाता है। जी नाज़रीन हमारा कोरमा भुन चुका है, अब मैं इसमें पानी डाल के इसे गलने के लिए लिड लगाऊंगी। अगर आप पैन में बना रहे हैं तो आप इसको पानी डाल के रख दें हल्की आंच पे और इसे वक्तन पर चेक करते रहें। हम कुकर में बना रहे हैं, हम इसमें 5-6 विसल दे के चेक करेंगे, पहले गोश्त नहीं गला तो फिर और विसल दे लेंगे, गोश्त गोश्त पर भी डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा 5-6 विसल में ही गल जाता है लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं गलता। तो अब मैं इसमें पानी डाल के इसे गलने के लिए रखती हूँ। अच्छे से ढक गया है और अब मैं इसको इस पर लिड जी नाज़रीन ये देखिए कोरमा हमने खोल लिया, हमारा गोश्त गल चुका है, अभी भी इसमें इसका शोरबा मौजूद है। इसी शोरबे में मैं ये प्याज आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने मोटी मोटी रखी है, मैंने हाथ से चूरा किया, अगर आपको हाथ से चूरा करने में मुश्किल हो तो आप इसे चॉपर में भी चला सकते हैं। प्याज चली गई इसमें, इसके साथ ये थोड़ा पकेगा तो ये, और ये बादाम और जो हमने जायफल जवत्री आपको दिखाई थी ये वो गई, ये इसके साथ खूब अच्छे से इसमें पकना चाहिए प्याज और मर। जी नाज़रीन ये देखिए हमारा जो गोश्त में हमने प्याज और बादाम डाले थे वो अच्छी तरह पक गए हैं। अब सबसे लास्ट में हम ये केवड़ा एसेंस डालेंगे चंद कतरे। अगर आप पैन में बना रहे हैं तो इसे हल्की आंच पे दम पे रख दें, और मैं क्योंकि कुकर में कर रही हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें लिड लगा के इसे कर दिया। आप बिल्कुल हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी और फिर हमारा ये कोरमा तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके दिखा दूँ। लीजिए नाज़रीन मज़ेदार कोरमा तैयार है, बिल्कुल प्योर घर के मसालों से बना हुआ कोरमा है, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, किसी किस्म की आपको ऐसी कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है इसमें, क्योंकि आजकल अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है कि बाज़ार के मसालों में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं। इसके अलावा भी जैसे चाइनीज़ सॉल्ट इस तरह की चीज़ें होती हैं जो सेहत के लिए हार्मफुल होती है, तो लोग प्रेफर करते हैं घर का मसाले से बनाना। तो आपके लिए बहुत सिंपल और ईजी वे में मैंने ये रेसिपी तैयार की है, इंशाल्लाह पसंद आएगी। आई होप के पसंद आए, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। अगर कोई सजेशन है, कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे बहुत इजी रेसिपीज़ होती हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।